नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी लेटेस्ट इन्फो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई से नई इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों, कल काफ़ी लोगों ने एक स्टार टाइप ट्रेन को आसमान में जाते हुए देखा। जी हां दोस्तों, वो क्या था पूरा आपको इस डिटेल में बताएंगे और आपको बताएंगे क्या वो हमें फिर से देखने को मिल सकती है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और ऐसी अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे ऐसा कुछ आपको देखने को मिला, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन राज्यों में ये देखने को मिला। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये एक स्टारलिंक सैटेलाइट थी। जिनको नहीं पता है स्टारलिंक सैटेलाइट क्या होती है, तो चलिए मैं वीडियो में एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपको आसमान में कल रात देखने को मिला वो एक स्टारलिंक सैटेलाइट थी। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट का प्रोसेस आप जानते होंगे, काफ़ी सिंपल है। इंटरनेट सैटेलाइट थी जो कि छोड़ा गया था स्पेस एक्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूमती है। तकरीबन ऐसे ही 45,000 सैटेलाइट्स और छोड़ी जाएंगी आने वाले समय में। तो इसका जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। जैसे सैटेलाइट हमारे ऑर्बिट में छोड़ी जाती है, उसका जो सिग्नल होता है वो हमारे सीधे रिसीवर या फिर जो भी अपने वाईफाई वगैरह लगाया होता है उसको हमारे सिग्नल है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको बता दें, ये जो सैटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ ऑर्बिट में क्यों छोड़ी जा रही है, क्योंकि हमारे इंटरनेट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। काफ़ी सारे हमारे वर्ल्ड के ऐसे देश हैं जिसमें इंटरनेट पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तकरीबन 42,000 जो सैटेलाइट हैं वो छोड़ी जाएंगी। स्पेसएक्स कंपनी का ये जो पूरा टोटल प्रोजेक्ट है जिसमें 42,000 से ज़्यादा सैटेलाइट जो कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेसएक्स कंपनी के जो मालिक है एलन मस्क के बारे में आप जानते ही होंगे, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 62 सैटेलाइट जो कि सबसे पहले छोड़ी गई थी मई 2019 में। दोस्तों, इसको काफ़ी लोगों ने कल आसमान में जाते हुए देखा और काफ़ी लोगों ने इसकी वीडियो भी कैप्चर की, और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि ये एक UFO है या फिर ये एक स्पेसशिप है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके डाटा के बारे में आपको बता देता हूँ। तकरीबन दोस्तों, ये 3 दिसंबर को कल, यानी कि आप देख सकते हैं 6:42 पर ये भारत में गुजरी। इसके जो सैटेलाइट का नाम था टोटल स्टारलिंक G43 था। ये हमारे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जा रही थी। यहाँ पे लैंग्वीट्यूड और लाटीट्यूड यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये फिर से देखना चाहते हो तो आज शाम 5:58, जी हाँ दोस्तों 4 दिसंबर 2021 को आइए फिर से देखेगी। तो आप साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जो इसकी सेम डायरेक्शन रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप सैटेलाइट को गुजरता हुआ फिर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आज ये 5:58 शाम को 4 दिसंबर 2021 को फिर से उसी जगह से गुजरेगी। इन लोगों ने भी इसका जो दृश्य है उसको मिस कर दिया गया है, वो फिर से इसको देख सकते हैं आज। जी हाँ दोस्तों, यही थी जो हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।